प्रेशर को जाने कैसे होता है कम ज्यादा, ब्लड प्रेशर का घटना बढ़ना कितना खतरनाक है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर में दो माप शामिल होती हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि हृदय की मांसपेशियों में संकुचन हो रहा है या धड़कनों के बीच में तनाव मुक्ता हो रही है। हमारे शरीर का सामान्य ब्लड प्रेशर 120 या 80 माना जाता है, इससे ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीरा और आप देख रहे हैं साइंस मैनिक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन भी ऑन करें ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। रक्तचाप वह बल है जिस पर रक्त धमनी की दीवारों पर दबाव डालता है, क्योंकि यह पूरे शरीर में घूमता है। रक्तचाप की रीडिंग सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दबावों को मापती है, क्योंकि हृदय हृदय चक्र से गुजरता है। हृदय चक्र के सिस्टोल चरण में हृदय के चैम्बर सिकुड़ते हैं और धमनियों में रक्त पंप करते हैं। डायस्टोल चरण में निलय शीतल हो जाते हैं और हृदय रक्त से भर जाता है। रक्तचाप की रीडिंग को पारा के मिलीमीटर में मापा जाता है। इसे स्फिग्मोमीटर नाम के उपकरण से मापा जाता है। चक्कर आना, धुंधला दिखना, उबकाई आना या बेहोशी, ये सभी लो बीपी के लक्षण हैं। सुस्ती, तनाव और कुपोषित आहार को खाने से लो बीपी की समस्या होने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा कम होने पर भी लो बीपी होने लगता है। यह समस्या आजकल बूढ़े, जवान और सभी उम्र के लोगों में देखने को मिलती है। ज्यादा तला भुना खाना, सही समय पर ना सोना, योगा न करना या दिनचर्या में सुस्ती ज्यादा होना, इन सभी वजह से लो बीपी आम हो गया है। लो बीपी को दूर करने के लिए एक घरेलू नुस्खा काफी उपयोगी है, मुलेठी चाय। इसके लिए एक टुकड़ा मुलेठी का और एक गिलास पानी अच्छी तरह से उबाल लें और हल्का गुनगुना पी लें। ऐसा रोजाना करने से लो बीपी की समस्या से निजात पाई जा सकती है। तुलसी को भारत में पूजा जाता है। तुलसी के इस्तेमाल से शरीर के कई रोगों को दूर रखा जा सकता है। 2 से 4 तुलसी के पत्ते सुबह चबाने से भी लो बीपी की समस्या को निपटाया जा सकता है। तुलसी में पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, विटामिन B5 काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो लो बीपी को ठीक करने में काफी लाभदायक है। हमें ज्यादातर ऐसा खाने का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ज्यादा फोलेट हो, क्योंकि फोलेट अधिक खाने से कमजोरी और खून की कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे ब्रोकली, पालक, टमाटर, मटर, संतरे, नींबू, केला या तरबूज, इन सभी में फोलेट काफी अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए इनका सेवन अवश्य करना चाहिए। जब शरीर में सोडियम की मात्रा कम होने लगती है तब भी लो बीपी हो सकता है। इसके लिए पानी में थोड़ा ज्यादा नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर जरूर पीनी चाहिए। दिन में कम से कम 6 से 8 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। लो बीपी को साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर से गुर्दे की बीमारी, हार्ट फेलियर या हार्ट स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। इसके बढ़ने से कुछ सामान्य कारणों में से शरीर का ज्यादा वजन, ज्यादा नमक या खराब लाइफस्टाइल, तनाव और ज्यादा शराब और सिगरेट भी हैं। हाई ब्लड प्रेशर के गंभीर लक्षणों में शामिल हैं दिल की धड़कन में तेजी, सांस लेने में कठिनाई, कान बजना, चक्कर आना या घबराहट महसूस होना। ब्लड प्रेशर और स्लीप, क्या आप जानते हैं कि नींद की कमी और हाई ब्लड प्रेशर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें अपनी नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। हाई बीपी वाले लोगों को इससे बचने के लिए सोने की सही पोजीशन पर ध्यान देना चाहिए। अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते हुए हाई ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी बन गई है। 40 के बाद ज्यादातर लोग इस बीमारी से जूझते हैं। आमतौर पर हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर अलग अलग गतिविधियों के कारण दिन भर बदलता रहता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को इससे परेशानी नहीं होती क्योंकि यह नॉर्मल रेंज के अंदर ही घटता और बढ़ता है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 140 या 90 से ऊपर हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इसे हृदय रोग का प्रमुख कारण माना जाता है। लगातार बनी रहने वाली यह समस्या गंभीर स्थितियों में स्ट्रोक या हार्ट अटैक का कारण बन सकती है, इसलिए इसे नियंत्रित रखने के लिए आहार और जीवन शैली दोनों पर ध्यान देना जरूरी है। विशेषज्ञों के अनुसार हाइपरटेंशन को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसे सिर्फ कुछ उपायों को करके कंट्रोल किया जा सकता है। कम ही लोग जानते हैं कि नींद की कमी और हाई ब्लड प्रेशर के बीच कनेक्शन है। हाइपरटेंशन की स्थिति को कंट्रोल करने में आपके सोने के तरीके की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाई बीपी के लक्षण हैं सुबह सुबह सर दर्द,
वैसे सरदर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको सुबह सुबह सरदर्द बहुत ज्यादा होता है तो यह हाई बीपी के कारण हो सकता है। दूसरा लक्षण है यूरिन में ब्लड। हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों में से एक यूरिन में ब्लड आना भी है। अगर आपको ये परेशानी हो रही है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं और चेकअप कराएं। तीसरा लक्षण है नाक से खून बहना। अगर बिना किसी कारण के अक्सर आपकी नाक से खून बहता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर के स्तर की जाँच करानी चाहिए। चौथा लक्षण है सांस की तकलीफ। सांस लेने में मुश्किल या सांस लेने की तकलीफ भी हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों में से एक है। तो आइए जानते हैं हाइपरटेंशन से जूझ रहे लोगों के लिए किस पोजीशन में सोना ज्यादा ठीक है। ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि नींद की कमी हाई ब्लड प्रेशर को खराब कर देती है। यदि व्यक्ति पहले से हाई ब्लड प्रेशर से ग्रस्त है तो नींद की खराब गुणवत्ता इसे बढ़ा सकती है। बता दें कि नींद स्ट्रेस हार्मोन से छुटकारा पाने का शरीर का नेचुरल तरीका है, लेकिन जब आप अच्छी गुणवत्ता वाली पर्याप्त नींद नहीं ले पाते तो आपके हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है और सूजन का कारण बनता है। इससे आपके ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, उन्हें बाईं तरफ करवट लेकर सोना चाहिए। यह उनके लिए सोने की सबसे अच्छी स्थिति है। ब्लड वेसल्स पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए इस तरह से सोना काफी फायदेमंद माना गया है। विशेषज्ञ हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रही गर्भवती महिलाओं के लिए बाईं तरफ करवट लेना अच्छा मानते हैं। चूंकि बढ़ता हुआ बच्चा आंतरिक अंगों पर दबाव डालता है और सर्कुलेशन की समस्या पैदा कर सकता है, ऐसे में बाईं तरफ सोने से न केवल सर्कुलेशन ठीक रहेगा बल्कि हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर से राहत पाने के लिए नींद एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। लगभग 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेने से आपका ब्लड प्रेशर लेवल अच्छा बनता है। कुछ घरेलू नुस्खों से भी बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे अजवाइन। अजवाइन में विटामिन के, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम और फाइबर काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर में आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। दूसरा घरेलू नुस्खा है पालक। पालक को आप अपनी डाइट में सब्जी, जूस या सूप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पालक में पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो हाई बीपी को कंट्रोल करने में काफी मदद कर सकता है। तीसरा है टमाटर। टमाटर को हर घर में लगभग हर दिन इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर को सब्जी, सलाद और जूस के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफी मदद करते हैं। चौथा है गाजर। गाजर को विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। गाजर में अन्य भी कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।